नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है यस बैंक लिमिटेड का। दोस्तों यस बैंक लिमिटेड का शेयर आज के दिन 14 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यस बैंक लिमिटेड की बात की जाए तो यह प्राइवेट सेक्टर बैंक है और यह बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 2004 को हुई थी, 17 साल पहले। इसके जो फाउंडर हैं वे राणा कपूर जी और अशोक कपूर जी हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके प्रोडक्ट्स की बात की जाए दोस्तों तो जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वे हैं क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, मॉर्गेज लोन्स, प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। और इसके ऑनर की बात की जाए तो जो इसका ऑनर है दोस्तों वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसमें दोस्तों नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 18,000 से भी ज्यादा काम करते हैं। तो दोस्तों काफी अच्छा बैंक है। यस बैंक लिमिटेड की दोस्तों मार्केट कैप की बात की जाए तो 352.02 बिलियन की है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका ऑनर कैसे हुआ, अशोक कपूर और राणा कपूर जी ने तो फाउंडर थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों राणा कपूर जी ने इस तरीके से बैड लोन्स बांटे कि वे रिकवर नहीं हो पाए और भारत सरकार को दोस्तों बीच में आना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा दोस्तों यस बैंक लिमिटेड का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लाया और 11 से 12 रुपए के बीच में दोस्तों एफपीओ आया था जो कि काफी सक्सेसफुल भी रहा। और दोस्तों अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसमें भी दोस्तों 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया जो कि काफी अच्छा आया है। और दोस्तों अभी जो Q4 जो क्वार्टरली रिजल्ट है दोस्तों अप्रैल में बहुत ही जल्द आने वाला है, 28 अप्रैल तक की डेट है उसकी कि उसका Q4 अनाउंसमेंट हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने की उम्मीद है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि यस बैंक लिमिटेड में बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज बैंकों के शेयर होल्डिंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इसमें 30% की शेयर होल्डिंग है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के 3.99% की शेयर होल्डिंग है, एक्सिस बैंक लिमिटेड की इसमें 2.39% की शेयर होल्डिंग है, बंधन बैंक की दोस्तों 1.2% की शेयर होल्डिंग है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की दोस्तों इसमें 1.15% की शेयर होल्डिंग है। तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैंक की दोस्तों इसमें शेयर होल्डिंग है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इसमें 30% की शेयर होल्डिंग है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दोस्तों इसको इसका फुल सपोर्ट है। और दोस्तों अभी ई वोटिंग भी हुई थी कि 10,000 करोड़ का जो फंड रेज होने वाला है वो भी दोस्तों जैसे ही Q4 का रिजल्ट क्वार्टरली रिजल्ट आता है उसके बाद पूरी तरीके से अनाउंसमेंट हो जाएगा कि किस प्राइस पर फंड रेज हो रहा है और कौन कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि अभी हाई कोर्ट में एक मामला आया है। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक के 81 बॉन्ड होल्डर्स ने दोस्तों 160 करोड़ रुपए के लिए खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा। जी हाँ दोस्तों, क्या है मामला आइए मैं आपको बताता हूँ। यस बैंक के एडिशनल टायर 81 बॉन्ड होल्डर्स ने बैंक से 160 करोड़ रुपए की राहत पाने के लिए फरवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा दोस्तों खटखटाया। और दोस्तों आज इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में दोस्तों सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस मामले में संबंधित पक्ष को 26 अप्रैल 2021 को जवाब देने को कहा है। यहाँ दोस्तों यस बैंक 81 जो बॉन्ड होल्डर्स एसोसिएशन जिसके 400 से अधिक सदस्य हैं, इस संस्था ने बैंक से अंतरिम राहत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। इन लोगों ने यस बैंक के 160 करोड़ रुपए के एटीआई बॉन्ड खरीदे थे जिसे यस बैंक ने एसबीआई के बेलआउट पैकेज के तहत राइट ऑफ कर दिया था। इस राशि में इन बॉन्ड्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट शामिल नहीं है। यस बैंक एटीआई बॉन्ड होल्डर्स एसोसिएशन ने बॉम्बे हाई कोर्ट से अपील की है कि कोर्ट यस बैंक को कोर्ट के पास 160 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दे ताकि बॉन्ड खरीदने वालों को हितों की रक्षा हो सके। यस बैंक के एटीआई बॉन्ड में निवेश करने वाले दोस्तों काफी लोग हैं, उन्होंने कोर्ट में इस मामले में
रेस्पॉन्स को 26 अप्रैल तक दोस्तों रिप्लाई करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि मार्च 2020 में मॉरेटोरियम पर रखे जाने के बाद यस बैंक ने बेलआउट पैकेज के तौर पर 8,415 करोड़ रुपए मूल्य का एटीआई बॉन्ड राइट ऑफ कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में एक्सिस ट्रस्टी पर भी आरोप लगाया है कि उसने अयोग्य इन्वेस्टर्स को एटीआई बॉन्ड बेचने से यस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं रोका। संपर्क करने पर इस मामले में एक्सिस ट्रस्टी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। अपनी याचिका में एटीआई बॉन्ड होल्डर्स ने कहा कि इसे खरीदने वाले 63% निवेशकों की उम्र 50 साल से अधिक है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इसे खरीदने में लगा दिया था। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स ने झूठ बोलकर यह बॉन्ड उन्हें बेचा और कहा कि यह सुपर एफडी है, जिस पर 9.5% तक इंटरेस्ट मिलेगा। रिप्रेजेंटेटिव ने इस बॉन्ड के रिस्क के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया कि फाइनेंशियल क्राइसिस में इसमें लगाया गया पैसा डूब जाएगा। यस बैंक के एटीआई बॉन्ड्स में कुछ निवेशकों ने 1 करोड़ रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक लगाया था। बॉन्ड होल्डर्स ने कहा कि आरबीआई के रेगुलेशन का उल्लंघन करके यस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने झूठ बोलकर हमें यह बॉन्ड बेचा। आपको बता दें कि आरबीआई बैंकों को एटीआई बॉन्ड, जिसे परपेचुअल भी कहते हैं, रिटेल इन्वेस्टरों को बेचने की इजाजत देता है, लेकिन इससे जुड़ा रिस्क भी निवेशकों को साफ साफ बताने का नियम है। तो सबसे बड़ी खबर दोस्तों कि यस बैंक के जो 81 जो दोस्तों बॉन्ड होल्डर्स ने 160 करोड़ रुपए के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने याचिका की है कि वो आदेश दे बॉम्बे हाईकोर्ट के 160 करोड़ रुपए बैंक जमा करें, जिससे कि जिन लोगों ने बॉन्ड्स खरीदे हैं उनके पास रुपए पहुंचे। तो बहुत ही बड़ी न्यूज है और दोस्तों आने वाले अगले 6 महीनों में बैड लोन्स की रिकवरी भी होने वाली है। जैसा कि यस बैंक के सीईओ हैं जो प्रशांत कुमार जी, उन्होंने बोला है कि अगले 6 महीनों में बहुत ही जल्द बैड लोन्स की रिकवरी होने वाली है और जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर्स के साथ शेयर किया जाएगा। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है और आने वाले समय में बहुत ही अच्छी अच्छी बिग न्यूज इसमें आने वाली हैं। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पोजीशन बना सकते हैं। आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं कि इसने हाई लगाया 404 रुपए का और 2018 में दोस्तों, और यहां से दोस्तों इसका बाउंस बैक का चार्ट पैटर्न बन रहा है। आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग यस बैंक लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाय कीजिए, इसके जो शेयर की डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए और दोस्तों आप इसको अगले 3 से 4 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 3 से 4 साल में यह स्टॉक 221 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्द बैड लोन्स की रिकवरी होने वाली है, वो भी बहुत ही फास्ट तरीके से। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो वह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।